हेलो गाइस। तो यार आज मैं बात कर रहा हूँ आरटीयू कोटा की, यानी कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू कोटा, राजस्थान का टॉप कॉलेज जिसे माना जाता है, ठीक है, राजस्थान के ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है आरटीयू कोटा के अंडर के अंदर चलती है, ठीक है। और जो भी अपना जो रीप वगैरह जो भी सारी सिस्टम है ये आरटीयू कोटा ही हैंडल कर रहा है अभी, ठीक है। सर एडमिशन प्रोसेस आरटीयू कोटा के अंडर में चल रहा है। बहुत बहुत ही पुराना कॉलेज है यार ये, ठीक है। और इसके पास बहुत सारी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनका एडमिशन हुआ नहीं है, उनके पास अलॉटमेंट नहीं आया, सीट नहीं मिली है, ठीक है। तो उनका तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। वो तो मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, ओनली फॉर 5,999 रुपये में अभी गारंटेड सीट मिल रही है यार। प्लान लिमिटेड टाइम के लिए है, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी कॉल कर रहे हैं कि भैया लिंक एक्टिव नहीं है, अब उसका प्राइस 18,000 हो गया, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसका भी वैसे ही है, 5,999 रुपये में अभी किसी ने ले लिया तो ठीक है, वरना इसका भी प्राइस ज़्यादा पड़ जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यार इसमें डायरेक्ट एडमिशन की, क्योंकि रीप के थ्रू तो जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होगा, बात ये है, ठीक है। तो यार अब एडमिशन लेने के लिए इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो अपवर्ड मूवमेंट वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऑप्शन बचा है आपके पास डायरेक्ट एडमिशन का। तो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, तो यार अब डायरेक्ट एडमिशन दो प्रकार से हो सकता है। या तो रीप कंडक्ट कर सकती है डायरेक्ट एडमिशन, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है। तो जैसे ही 23 तारीख के बाद ये जो सारा रिपोर्टिंग वगैरह होती है, फिर अपवर्ड मूवमेंट रिलीज होता है, फिर सीट्स वैकेंट बचेगी, ठीक है। जैसे सीट वैकेंट बचती है तो आरटीयू कोटा जो भी अपना डिसीजन लेता है कि भाई रीप तुझे करना है या मैं अपने आप अपने खुद करें, तो ये जस्ट पिछले साल की अगर अपन बात करें तो जो इतने भी यूनिवर्सिटी हैं अपने आप ही कंडक्ट किया था डायरेक्ट राउंड, ठीक है। इनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा रिगार्डिंग एडमिशन के, और जस्ट आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जस्ट आपको फॉर्म फिल करने है, या फिर आप जस्ट वहाँ पे जाएं, वहाँ से इनका जो बैंक है वहाँ से चालान कटाएं, 250 रुपये, 300, 500 जितना भी है, ठीक है। फिर वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, वहाँ पे पर्चे लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको अपना अलॉटमेंट देखना होता है वहाँ पे कि किन किन बच्चों का नाम आया है। फिर बच्चे अंदर जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं, फिर उनका एडमिशन ऐसे कंफर्म होता है। तो इसे बोलते हैं यार डायरेक्ट राउंड, स्पॉट राउंड। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पे, ठीक है। और आपको फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है वहाँ पे, तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर आपको गारंटेड सीट एडमिशन चाहिए आपका, अगर किसी में हुआ नहीं है, तो आप जस्ट हमारा प्लान ले सकते हैं, अभी 5,999 रुपये में मिल रहा है। वरना हम जो है एक गारंटेड सीट जो है सीट कन्फर्म करके देते हैं, गारंटेड सीट 18,000 रुपये के अंदर, जो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, ठीक है। और यार अगर तुम्हारा जस्ट ये तुम फीस वीस वगैरह कुछ नहीं देना चाहते और तुम्हें एक गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, PSAEC पटियाला। दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, एंड दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस, एरोनोटिकल एंड जो भी कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट, एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली इन PSAEC पटियाला। दिस इज फुली गवर्नमेंट एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस। यार अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो एरोस्पेस का कोई भी कॉलेज नहीं है, ठीक है। प्राइवेट के अंदर एक दो कॉलेज है जो कि जीरो लेवल पे है, जिसके अंदर कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है। और एक कॉलेज और है यार जो कि निमराना के अंदर है, उसके अंदर भी कोई नहीं जाना चाहता, प्राइवेट है। तो इससे अच्छा यही है कि दिस इज PSAEC इज वेरी गुड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गेट एडमिशन इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं, आप अपन चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो दिस इज नेम इज पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, और दिस इज प्रोवाइडिंग एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल कोर्सेस, ठीक है। तो गाइस बीटेक की जो डिग्री है तुम यहाँ से ले सकते हो, PSAEC। यहाँ पे नंबर दिया गया है, अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है यार, ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। किसको लेटरल इंटरव्यू में एडमिशन लेना हो तो ले सकता है, UG में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अगर इसरो, नासा, DRDO, एयरफोर्स के अंदर जाने का सबसे अच्छा रास्ता है एरोस्पेस, एरोनोटिकल, ठीक है। अगर आपको एयर होस्टेज वगैरह वगैरह जो भी होता है, एविनेशन मैनेजमेंट, सारे कोर्सेस कर सकते हो तुम। दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज, सो यू कैन गेट एडमिशन इजीली। एंड यार मतलब बहुत बहुत ही लो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, चाहे इंडिया में कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज ले लो तुम, ठीक है। तो यार
एरोस्पेस एरोनॉटिकल के इंस्टीट्यूट है नहीं, इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और यार एडमिशन अगर तुम्हें गारंटेड चाहिए, मिल नहीं रहा है, तो तुम्हारा जो सिंपल काउंसलिंग से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाबा के दर्शन करने के लिए एक नंबर पे लिंक दिया गया है, पेमेंट लिंक 5999 का। उस पर पेमेंट करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली एडमिशन करवा देते हैं तुम्हारा। ठीक है, और बिना पेमेंट के तो कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।